आप सुरक्षित हैं, घबराइए नहीं पर सावधान रहिए। सभी सहायता केंद्रों की सूची यहाँ उपलब्ध है। आप अपने राज्य का सहायता केंद्र का नंबर यहाँ से ले सकते हैं और उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। अपना एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जरूर करें। इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर दें। यह जानकारी पूर्णतया गोपनीय होगी और इसको सिर्फ इसी पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी बेहिचकिचाहट आपको जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर सही सही दें। आपको जो भी जानकारी है वो भरें यहाँ पे। अगर हाँ में उत्तर है तो हाँ करें, ना में उत्तर है तो ना करें। तो यहाँ पे जो भी आपसे पूछा जाए वो आप भर सकते हैं। भाषा की दिक्कत नहीं आएगी, हर भाषा में यह उपलब्ध है। रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है आरोग्य सेतु, जिसकी सहायता से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, हम शिक्षित कर सकते हैं और अपने आप को महामारी से बचा सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के समय में आपके फ़ोन में टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, कुछ भी है, कोई ऐप है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता। आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु है कि नहीं है ये बहुत मायने रखता है। आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करें, बेझिझक इंस्टॉल करें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आप उसका पब्लिशर जरूर चेक कर लें। पब्लिशर की डिटेल्स उसी ऐप का जो पेज होता है उसके नीचे दी हुई होती हैं। इस ऐप में भी जब आप नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो वहां पे इसके पब्लिशर का नाम होगा। भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई ऐप NIC के द्वारा बनाई जाती है या उनके लास्ट में .gov.in जरूर होगा। अगर ये ऐप है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऐप के पब्लिशर में दिखाई देगा, थंबनेल में .gov.in कई लगा सकते हैं डुप्लीकेट ऐप के भी। तो बेहतर यही होगा कि आप सर्च करने की बजाय, इतना करने की बजाय मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम इजी कर दिया है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वहां से उस लिंक की सहायता से इस ऐप को डाउनलोड कर लें। आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की, परिवार की, मित्रों की सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे रजिस्टर का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दें। सेवा और गोपनीयता की शर्तें, यहाँ पे आपकी जानकारियाँ पूर्णतया से गोपनीय रखी जाएंगी, इसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। उसके बाद मोबाइल लोकेशन, ब्लूटूथ और डाटा शेयरिंग की ये ऑप्शन आपसे पूछेगा तो उन सभी में आप अलाउ कर दें जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा, आपको भी यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करते हैं उसके बाद सबमिट कर दें तो यह आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP भेजेगा। वो OTP आपको यहाँ पे डालना है और आप इस तरीके से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अपने बारे में कुछ सामान्य सी जानकारियाँ यहाँ पे आपको भरनी है, जिसमें आपका नाम, आपकी उम्र, आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस तरह की कुछ सामान्य सी जानकारियाँ होनी होंगी जिसको आप भरें, बेझिझक भरें, क्योंकि ये डाटा किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप काम क्या करते हैं, अगर आपका इनमें से कोई है तो ठीक है, नहीं तो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं उसके ऊपर क्लिक कर दें। क्या आपने किसी देश की, इनमें से किसी देश की 30 दिनों में भ्रमण किया है, जरूरत के समय सेवा में रुचि, तो अगर आप रुचि है आपकी जरूरत के समय सेवा करने की तो इसको सिलेक्ट कर दें। तो ये सामान्य सी जानकारियां थी जो आपको भरनी है। जब आप पूरी जानकारी भर चुके होंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेटस दिखाई देगा, आप सुरक्षित हैं। क्या करें क्या ना करें, ये इस तरह की तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई गई। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक PDF फाइल डाउनलोड होगी उस जानकारी के बारे में, उसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हैं। समय समय पर यहाँ पे जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, आप उनको डाउनलोड करके पढ़ते रहें। यहाँ पे सुरक्षा के उपाय उसी तरीके से आपने डाउनलोड करना है और उसको देखना है। आपको इसके साथ एक काम और करना है, इस ऐप को सभी के साथ, सभी भारतीयों के साथ शेयर करना है। हो सकता है सबको इसकी जानकारी ना हो, तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इस वीडियो को भी आप सभी के साथ शेयर कीजिए,
ताकि वो इस ऐप के बारे में जानकारी ले सकें, आसानी से वो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकें, अपने आप को, अपने समाज को, पूरे भारत को, अपने देश को इस महामारी से सुरक्षित कर सकें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ उसी से डाउनलोड करें, इधर उधर के लिंक से डाउनलोड ना करें, वो आपको दिक्कतें दे सकती है। और ये नहीं है कि आपने एक बार यह ऐप को यूज किया तो उसके बाद इसको यूज नहीं करना है, आप सुरक्षित हो गए हैं। कोशिश कीजिए हर दूसरे तीसरे पांचवें दिन, या आपके साथ जैसा हमने इस वीडियो में बीच में देखा था कि जो जो डिटेल्स आपने भरी उनमें से किसी भी डिटेल के अंदर चेंज आता है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है या आपको किसी भी तरह की जरूरत महसूस होती है, तो आप ऐप के अंदर अपने डिटेल्स को रिवाइज कर सकते हैं, उसके साथ नया डाटा आपका एंटर हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपकी डिटेल जिसको भी पहुंचनी चाहिए समय के ऊपर वो पहुंच जाएगी और आप सुरक्षित हो पाएंगे। छोटी मोटी अगर बीमारियां आपको होती हैं जैसे जुखाम, खांसी या और इस तरह की कोई भी छोटी मोटी बीमारी है, तो उस केस में आप भीड़ में जाने से बच सकते हैं। यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना। तो ये ऐप आपको काफी सारा शिक्षित करती है इस बारे में। फ्यूचर अपडेट्स भी इसमें आती रहेंगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आएंगे इसके बारे में वो भी सबसे पहले इस ऐप के अंदर अपडेट हो जाया करेंगे। एक काम मैं कर रहा हूँ, अब काम आपको करना है। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने परिचितों के साथ शेयर करना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड या इस तरह के वीडियोस आपको मिल जाएं। इसके लिए नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है सब्सक्रिप्शन बटन के साथ में, उसको भी प्रेस कर दें। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई सुझाव लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पूरे देश का ख्याल रखिए। आप सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है। धन्यवाद।